गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं और आप लोगों का गार्डनिंग अच्छे से चल रहा है। आज मैं बात करूँगी कोलियस के ऊपर कि कैसे हम लोग अपने कोलियस को गर्मी से बचाएं। आप लोगों के वहाँ शायद बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रखा है, क्योंकि मैंने सुना है नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी हुआ है। मेरे यहाँ भी गर्मी अभी बहुत इंक्रीज़ हो गया है। आज सुबह बहुत धूप है जब अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कल जो मैंने क्रोटन के ऊपर वीडियो बनाया था, आज मैं और एक बहुत ही कलरफुल प्लांट्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। ये भी आपके गार्डन में अगर फूल नहीं है तो उसकी कमी ये आपको महसूस नहीं होने देता है। और ये है कोलियस। कोलियस भी बहुत कलर ऐड करते हैं आपके गार्डन में और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलता है ये। मेरे पास यहाँ पर कुछ है नीचे वाले गार्डन में, और मेरे पास ऑलरेडी 2-3 वीडियो है मेरा कोलियस के ऊपर, उसमें मैं आप मेरा कोलियस का कलेक्शन देख सकते हैं। अभी देखिए गर्मी में कोलियस थोड़ा यू नो स्ट्रेस में आ जाता है, इसको सर्दी का धूप बहुत पसंद है और इसका कलर निखर आता है सर्दी में। तो गर्मी में पहले तो हम इसको सर्दी में धूप में रखते हैं, तो गर्मी में पहले जब गर्मी स्टार्ट होता है तो इसको सेमी शेड में लाते हैं। हाँ, अभी मेरा ये सेमी शेड में है क्योंकि हम लोग के यहाँ अभी 32 ऐसा जा रहा है। और फिर कुछ जो पूरा धूप के साइड में पड़ा हुआ था, जैसे ये पॉलीबैग में था, इसमें देखिए डिसकलरेशन स्टार्ट हो गया था। तो आपका कोलियस अगर अभी डायरेक्ट धूप में है तो आप उसको तुरंत शेड में लाइए। अगर आप बहुत ही गर्म इलाके से हैं तो उसको फुल शेड में लाइए अभी। और अगर आप मेरे जैसे एरियाज में हैं तो अभी सेमी शेड में रख सकते हैं, जहाँ पर आपका 1 घंटे का यू नो सुबह का धूप आए, उसके बाद सारा दिन अच्छा लाइट आए, लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आए। कोलियस को आप फुल डार्क में नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसको लाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट उसके बाद इसको इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद है और खुली हवा पसंद है। तो आप इसको ऐसा जगह रखिए ताकि इसका प्लेसमेंट इसको परफेक्ट प्लेसमेंट मिले। देन फ्रेंड्स, इसको वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है गर्मी में। इसको आप शावर रेगुलर कीजिए। मैं अभी तो एक बार कर रही हूँ, सुबह शावरिंग कर रही हूँ, लेकिन आपके हो अगर बहुत गर्मी है अभी तो आप 2 टाइम शावरिंग कीजिए। शावरिंग इन द सेंस कि आप इसके पत्ते को ऐसे नहला दीजिए, जैसे बारिश में पत्ता भीग जाता है ऐसे इसके पत्ते को नहला दीजिए ताकि इसमें ठंडा बना रहे। और उसको अच्छा से एक बार शाम के टाइम में या सुबह जब भी हो, रूट में पॉट में अच्छे से एक बार पानी दे दीजिए और 2 बार अच्छा से शावरिंग कर दीजिए ताकि पूरा पत्ता इसका धुल जाए और नहला दिया जाए। तो इससे इसका जो कलर है वो भी बना रहता है और डस्ट वगैरह अगर जमा हुआ तो वो भी चला जाता है। ये देखिए मेरे ये सारे कोलियास अभी बहुत ही फ्रेश दिख रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेस में नहीं आए हैं। इधर 1 घंटे का लाइट आता है, उसके बाद यू नो अच्छा से ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आ जाता है। और मैंने ग्रुप में रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ बहुत प्लांट्स हैं और चारों तरफ बहुत ह्यूमिडिटी भी मिल रहा है क्योंकि एक साथ बहुत प्लांट्स हैं। तो आप भी अपने जो हाउस प्लांट्स है, जो शेड लविंग प्लांट्स हैं, उन सबको अभी ग्रुप में रखिए ताकि ह्यूमिडिटी भी मिले और लेकिन दूसरे प्लांट से छांव भी मिले ताकि ये लोग डायरेक्ट लाइट से बच जाए और जो गर्म हवा अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा है तो उससे भी बच सके। तो ग्रुप में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वाटरिंग मैंने बोल दिया है। और मैं अभी 10 दिन पहले इन सब में गोबर खाद, फुल्ली डिकम्पोज गोबर खाद दिया था। अगर आपके वहाँ बहुत गर्म है तो अभी कोई खाद वगैरह मत दीजिए, नहीं तो आप महीने में एक बार एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या लीप कंपोस्ट या काउडंग कुछ भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, बीच में ये कैलाडियम दिखा दूँ आपको, इसमें अभी ये न्यूली स्प्राउट हुआ है। ये सारे पुराने प्लांट्स है, पिछले वीडियो में मैंने एक कैलाडियम दिखाया था, लेकिन ये वाला अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही स्प्राउट हुआ है। तो अभी कैलाडियम का सीजन है। ये तो देखिए अभी बहुत अच्छा से ग्रो हो रहा है, लेकिन इसका भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुआ है। अगर आपका भी कैलाडियम स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो बी पेशेंट, जल्दी स्प्राउटिंग हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर एक कोलियस आपको मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इससे आपको लाइटिंग का पता चल जाएगा। देखिए ये सारे बेगोनिया, सिंगोनिया और ये ऑर्किड और ये पेपरमिया के साथ मैंने इस कोलियस को रखा है। ये पॉलीबैग में है, मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो अभी आपको लाइट का पता चल रहा है, आपको आइडिया हो रहा है शायद कि आप इसको ऐसा जगह रखिए जहाँ अभी सिंगोनिया वगैरह, स्पाइडर प्लांट्स, इन सबको
जैसा एटमोसफेयर पसंद है अभी कोलियस को वैसा ही एटमोसफेयर पसंद है। और एक कोलियस भी देखिए, ये भी एक कटिंग यहाँ पर ग्रो हो रहा है, तो अभी इसका बहुत ग्रीन कलर आ रहा है क्योंकि इसको शेड मिल रहा है। ये अगर सर्दी के धूप में मैं रख दूँ तो ये पूरा रेड कलर का हो जाता है। तो कोलियस को अब बहुत ही नाजुक से रखना पड़ता है गर्मी में, और अगर आपके वहाँ लू वगैरह होता है तो कोलियस कभी कभी ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ था कोलियस का, लेकिन कुछ प्लांट्स मेरा पिछले साल ख़राब हो गया था क्योंकि मैं कुछ ट्रेवल कर रही थी तो वाटरिंग का कुछ इशू हो गया था। अब इस साइड में आपको लाई हूँ, ये जो स्टैंड है यहाँ पर मैं अपना धूप का प्लांट रखती हूँ। तो यहाँ मैं एक चीज़ दिखाने के लिए लाई हूँ, ये देखिए फ्लावरिंग वगैरह तो अच्छे से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है और जो धूप बर्दाश्त कर सकते हैं वैसे प्लांट्स है। यहाँ पर मैंने 4-5 कोलियस को अभी टेम्पोररी रखा है क्योंकि अभी इवनिंग में इन सबको मैं कुछ ट्रीटमेंट करूँगी। इन सब में आपका मिलीबग का इशू हो गया है, कल मैंने क्रोटन में आपको दिखाया था कि मिलीबग का ट्रीटमेंट शाम को करना पड़ता है। आज मैंने नीम का पत्ता बॉयल किया है तो उसका पानी से अच्छा से धो दूंगी। और देखिए मिलीबग में दिखा देती हूँ, ये पॉलीबैग में जो कटिंग ग्रो किया था बहुत अच्छा से चल रहा था, उसके बाद देखिए अब ये पूरा प्लांट मिलीबग से भर गया है। मैंने इसको काले देखा है, फिर अभी इसको मैं फुल्ली सेपरेट कर दूंगी। अगर आपका कोलियस वगैरह में भी मिलीबग हो गया है तो आप फुल्ली उसको दूसरे प्लांट से सेपरेट कर दीजिए। अभी शाम को मैं क्या करूँगी, नीम एक थोड़ा नीम का पत्ता मैंने बॉयल किया है, उस पानी से अच्छा से ये सारे जितने भी कोलियस इस साइड है देखिए सारे थोड़ा वीक दिख रहे हैं, डिजीज दिख रहे हैं, इन सारे प्लांट्स को मैं अच्छा से नहला दूंगी। उसके बाद फुल शेड में रख दूंगी ताकि सुबह काल सुबह का धूप इसमें ना आए किसी तरह से, नहीं तो पत्ता जल सकता है। और फिर शाम को मैं इसमें फिर शावरिंग कर दूंगी पानी से। उसके बाद एवरी ऑल्टरनेट डे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह मैं ऐसा नीम का पानी इसमें दे दूंगी क्योंकि मिलीबग एक बार या 2 बार में नहीं जाता है, बहुत स्टिकी सा ये होता है तो फिर वापस आने का चांस हमेशा रहता है। तो मैं अपने हर वीडियो में मिलीबग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए देती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे जब इनिशियली मुझे आइडिया नहीं था कि प्लांट क्यों ख़राब हो रहा है, फिर लास्ट में मुझे जब पता चला कि मिलीबग से हो रहा है तब यू नो देन ओनली मैंने कुछ उसका ये नीम ऑयल वगैरह स्प्रे किया, स्टार्ट किया। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड इस बास्केट में मेरा पिटूनिया रहता था पहले, अभी देखिए पार्सलिन पोर्चुला का और ये बेबी सनरोज अच्छा से ग्रो हो रहा है। सदाबहार जो लोकल वैरायटी है वो भी मैंने लगा दिया है, एक वेंडरिंग जू भी लगा दिया है। तो ये मिक्स एंड मैच बास्केट करके इसको मैंने फुल सन में रखा है क्योंकि पोर्चुलाका को फुल सन चाहिए। और इसके कोने में मैंने डायंथास का कुछ अभी फ्लावरिंग हो रहा है उसको रखा है, लेकिन इसको भी मैं अभी जल्दी हटा दूंगी क्योंकि ज़्यादा धूप मिलने से ये और जल्दी सूख जाएगा। मैं चाहती हूँ कि और भी 15-20 डेज इसमें फ्लावरिंग हो, तो मैं सिर्फ ये सर्दी का कुछ फ्लावर जो अभी ब्लूम हो रहा है वो ऐसे आपको दिखाना चाह रही थी। बाकी मॉस्ट्रोस, बाकी आपका ये बेबी सनरोज बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट, और आप भी ज़रूर लगाइए ये गर्मी के टाइम में। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक जो बेजिल है जो खाने में हम लोग यूज़ करते हैं उसका प्लांट बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो आज अभी मैं ये वीडियो बनाने के बाद ये बेजिल का प्लांट लगाऊंगी, पॉटिंग करूंगी थोड़ा धूप कम हो जाए उसके बाद। तो इसी ये बेजिल का प्लांट दिखाते हुए ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, और एक वीडियो के साथ कल आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।